श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम जो बना है उसमें काशी के अवमुक्त क्षेत्र यानी पंचकोश क्षेत्र में जितनी भी संपदा है वह आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है। अतः उस सन्निहित प्रॉपर्टी में कोई अन्य मतावलंबी धर्म मत पंथ संप्रदाय का दावा नहीं कर सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्यारा भारत पर ज्ञानवापी का मामला बनारस और भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। आज उसी को लेकर बनारस के जिला जज के समक्ष सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ सुनवाई में जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मदन मोहन यादव जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इन सब मामलों से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर आज कचहरी उसमें? आज हिंदू पक्ष द्वारा कथित ज्ञानवापी की मस्जिद जहां पे अवस्थित है वह रकबा नंबर 9130 है और ज्ञानवापी से संबंधित टोटल 24 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ साथ रिवीजन भी है, पुनरीक्षण याचिका और स्थानांतरण पत्र, और हाई कोर्ट में 2 मुकदमे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी आज आर्कियोलॉजी को बुलाया गया था उसको कि पूरा किस तरह पूरे परिसर का सर्वे कराया जा सकता है, जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको छेड़छाड़ किए बिना, उस पर कोर्ट ने तलब किया हाई कोर्ट ने और उसका आर्डर 5 अप्रैल को आना है। और वाराणसी में जिला जज के न्यायालय में 7 मुकदमे जो एक ही प्रकृति के हैं और उन सबको इकट्ठा करने की बात इसलिए न्यायालय के समक्ष की गई थी कि समेकित कर दीजिए, 7 मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं और जो किसी में डिमांड की गई कि पूजा के अधिकार का, किसी ने संपूर्ण रकबे की मांग की गई है, किसी में कहा गया है कि जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनके निरंतर पूजा का अधिकार दिया जाए, और किसी में यह भी निवेदन किया गया है कि यह जो पंचकोश क्षेत्र है अविमुक्त क्षेत्र वह कानूनन हिंदुओं का है, सनातनी हिंदुओं का, उसमें जो भी विधर्मी लोग हैं उनको हटा के उसमें संपूर्ण परिसर को हिंदुओं को सौंप दी जाए और कथित ज्ञानवापी मस्जिद को हटा के वहाँ पे हिंदुओं को सौंप दिया जाए, जिसमें भविष्य में ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बन सके। उन सारे मुकदमों का आज न्यायालय में आदेश का था, बहस पूरी कर ली गई थी, परंतु आज न्यायाधीश महोदय के समक्ष जब हम लोगों को 2:30 बजे दिन में बुलाया गया था पूर्वान्ह, उस समय जब पहुँचे तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अभी हमने काफ़ी इसमें एक्सरसाइज करना कराना बाकी है, इसलिए आज मैं लिख नहीं सका हूँ आपके इस आदेश को जो कि सारे मुकदमों को इकट्ठा किया जाए, समेकित किया जाए, तो हम 22 मार्च को आदेश निर्गत करेंगे। ये आज बात थी और इससे मेरा मानना है कि यदि सारे मुकदमे इकट्ठा कर दिए जाए तो उससे हमारे लाभ ये होगा और वादकारी को और ख़ास करके जो इसमें अधिवक्ता गण हैं और ढेर सारे साक्ष्य सब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक साथ उनको सुनने का मिलने से न्यायालय का जो यहाँ पे आज 4-4 न्यायालयों में ये मुकदमे चल रहे हैं उसका भी बोझ कम होगा और यह सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट होती है उसके सर्वे सर्वा जिला जज होते हैं उनके पास CPC के तहत सेक्शन 24 में यह व्यवस्था दी गई कि उन सारे मुकदमों को समेकित कर दें जो एक ही प्रकृति के हैं। इसी संदर्भ में आज आदेश आने वाला था, हम लोग बड़ा आशान्वित थे, परंतु आज आदेश नहीं आ सका है, तो अगले 22 मार्च को इसमें आदेश निर्गत होगा, उस ऐसी अपेक्षा हमारी है। अच्छा, अभी आपने बताया कि 24 मामले कुल मिला के बनारस में चल रहे हैं ना? नहीं, दो, एक सुप्रीम कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट में और शेष यहाँ पे, उसमें सारे अधिकांश मुकदमे फ्रेश हैं और जो कि ज्ञानवापी परिषद से संबंधित दावा ज्ञानवापी मस्जिद पर किया गया है, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 110 के तहत आदेश हुआ गया था कि यह मुकदमा सुनने योग्य है, पोषणीय है, अतः उनको माना जाए, तो इस पर विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष क्षुब्ध होकर माननीय न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में रिविजन दाखिल किया है, पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई उनके द्वारा, और दूसरा कुछ मुकदमों में ढेर सारे की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिया गया है, यानी 7 मुकदमों का स्पष्ट है वो जिला जज के ही न्यायालय में विचारणी है और उनको ये यानी कि इस प्रकार टोटल 24 मामले ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं पंचकोसी वाला मामला कि पंचकोसी के क्षेत्र में जो भी विधर्मी हैं उनको हटा दिया जाए, हिंदुओं को ही रहे, मतलब जो धार्मिक लोग हैं, ये याचिका डाली जा चुकी है, पड़ी है? हाँ, 712
आदि विशेश्वर विराजमान केस में यही दावा किया गया है कि 1983 में श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम जो बना है उसमें काशी के अवमुक्त क्षेत्र यानी पंचकोश क्षेत्र में जितनी भी संपदा है वह आदि विशेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है। अतः उस सन्निहित प्रॉपर्टी में कोई अन्य मतावलंबी धर्म मत पंथ संप्रदाय का दावा नहीं कर सकता है। यदि है तो वह ट्रस्टी सिप की तरह है कि उसमें जिए खाए और जो और अपना जीवन यापन करे, परंतु वह संपदा जो प्रॉपर्टी है वो आदि विशेश्वर की ही है। यह याचिका किसने डाली है, कौन इसके सूत्रधार है? इसके एक जितेंद्र सिंह विशेन है, उन्होंने अपनी पत्नी किरण सिंह के माध्यम से डाला है, तो वो अभी आज विचारणीय है, माननीय न्यायालय के समक्ष उस पर रिविजन दाखिल होना था वो आया। अच्छा, ये जो याचिका है कि पंचकोशी जो क्षेत्र है उसमें केवल जो धार्मिक लोग हैं, जो विधर्मी हैं वो नहीं रहना चाहिए, तो जैसे नई सड़क पे एक बड़ी संख्या विधर्मियों की है और आसपास है। जी, यह मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, यह हमारे शास्त्रोक्त विषय में इस बात आई है। स्कंद पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सब में पंचकोश जो क्षेत्र है वो मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, वह आदि विश्वेश्वर की ही प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस परिक्षेत्र में यदि कोई देह त्यागता है अपना, तो उसको सीधे भगवान शिव तारक मंत्र देके मुक्ति प्रदान करते हैं। जी, क्या इसमें विधर्मियों को हटाया जाएगा जो उनकी दुकानें हैं या जो भी है, मतलब रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? जी, मैंने इसमें पहले ही अवगत करा दिया कि यह संपूर्ण परिक्षेत्र में यदि कोई विधर्मी है जो सनातनी नहीं है तो वह एक ट्रस्टीशिप की भांति जीवन यापन तो कर सकता है, वह अभी आदि विश्वेश्वर की कृपा से उनके प्रसाद पर्यंत, परंतु यह उसका अधिकार नहीं हो सकता हमारे शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार। मतलब जो जमीन होगी, जो उसका घर होगा, उसकी निजी जमीन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? अब ये राजस्व संहिता के अनुसार तो आप जो कह रहे हैं कि हाँ उसकी ज़मीन मानी जाएगी, परंतु अगर हमारी शास्त्रीय मान्यता के अनुसार माना जाए तो वह क्षेत्र उनका, उस क्षेत्र में उनका कोई अधिकार नहीं। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये जो याचिका डाली गई है जो शास्त्र के अनुसार, वो पूरा क्षेत्र मंदिर का होना चाहिए, श्री काशी विश्वनाथ में ही निहित होना चाहिए, आदि विश्वेश्वर में ही वो सन्निहित होना चाहिए, वो संपूर्ण परिक्षेत्र, उसमें कोई भी व्यक्ति अन्य स्वामी नहीं हो सकता है, वह केवल ट्रस्टी हो सकता है, वो किसी मतबंध संप्रदाय का हो। अच्छा, ये बताइए जो ज्ञानवापी पे मुकदमा चल रहा है, कब तक इसका निर्णय आने की संभावना आपको लग रही है? जहाँ तक मुझे आशा है कि इसमें 2-3 वर्ष का समय लग सकता है, इसलिए कि जो हमारा विपक्षी है मुस्लिम पक्ष, वो लटकाओ भटकाओ अटकाओ जैसी नीति में माहिर है, दक्ष है, तो वो ऐसी शरारत निरंतर करते हैं, क्योंकि एक साधारण सी बात है कि अभी तक इस मुकदमे में केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सामान्य कार्रवाई हुई, वह कार्रवाई यह हुई कि पूरे परिसर का, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का कमीशन की कार्रवाई कर दी है, अधिवक्ता की, आयुक्त की आख्या जब आहूत की गई तो उसमें शिवलिंग प्रकट हुआ, और उसके पूर्व आज जो हाई कोर्ट में हमारा मामला है जिसमें लक्ष्मी के देवी के माध्यम से वहाँ पे दायर किया गया था कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में उसका आर्कियोलॉजी सर्वे कराया जाए, तो इस प्रकार तो मैं आशान्वित हूँ कि अगर पूरे परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे हो गया तो केवल कमीशन की कार्रवाई में शिवलिंग प्रकट हुआ है, और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अगर आख्या दे दी तो सब कुछ दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, और पूरे बाबा का परिसर जिस आस्था विश्वास से हम लोगों ने इन मुकदमों को किया है वह बड़ा एक हमारे पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय आ सकता है, क्योंकि सारे वहाँ की जो दीवारें हैं, भग्नावशेष हैं कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग की, उसमें दीवारें चिख चिख के कह रही हैं कि मैं नागर शैली के उत्तर भारतीय मंदिर का के नागर शैली का मंदिर हूँ, वो दीवारें चिख चिख के कह रही थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि आर्कियोलॉजी सर्वे का आदेश आते ही, क्योंकि उसमें अभी 5 अप्रैल का डेट हाई कोर्ट में लग गया है, तो स्वाभाविक है कि ये बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, बड़ा निर्णायक। अभी आपने जो बोला पंचकोशी पे कि किसी भी मतावलंबी हो, किसी भी धर्म का हो, निजी संपत्ति नहीं हो सकती, ऐसा ही कुछ बोला यही ना, तो उसमें विधर्मी का वो पॉइंट कहाँ से आया? वो तो आप कह रहे हैं किसी के लिए भी वही रहेगा। नहीं, वो कानून है ऑलरेडी 1983 का जो काशी विश्वनाथ अधिनियम है, उसमें पंचकोश के परिक्षेत्र में कहा गया है
और मुक्त क्षेत्र संपूर्ण रूप से काशी विश्वनाथ में निहित है। तो ये विधर्मी वहाँ रह सकते हैं लेकिन अपना मालिकाना हक नहीं होगा, यही ना? कोई भी मत पंथ संप्रदाय का हो, वास्तविकता यह है कि शास्त्रोक्त ढंग से जो पंचकोश का विधि विधान है, जिसमें मैंने कई पुराणों स्मृतियों का उल्लेख किया, उसके अनुसार संपूर्ण रूप से वो संपूर्ण संपदा आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है जी। इस याचिका में कोई परिवर्तन आएगा? याचिका जो डाली गई है कि वहाँ भी धर्मी ना रहे या पंचकोशी क्षेत्र में, आप कह रहे कि सब रह ही सकते हैं लेकिन निहित है उसमें ऐसा? हाँ, वो कोई आधिकारिक रूप से उस 1983 का जो श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम है उसके अनुसार कोई दावा नहीं कर सकता है। हाँ। परंतु उसमें कृपा पर्यंत आदि विश्वेश्वर के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, अपने आवास में निवास कर सकता है, परंतु वह संपूर्ण रूप से अगर शास्त्रोक्त विधि या 1983 के काशी विश्वनाथ अधिनियम का हवाला दिया जाए तो वह संपूर्ण संपदा आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है, इस नाते वो दावा नहीं कर सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी। अच्छा, मान लीजिए जो याचिका डाली गई है वो स्वीकार हो जाती है, निर्णय पक्ष में आता है, तो होगा क्या, मतलब ग्राउंड पर क्या दिखेगा? अब तो ये सरकार को तय करना है, क्योंकि हमने न्यायालय में कहा है, विधि व्यवस्था वालों को देखना है कि संपूर्ण रूप से आप लोग भाई चलते बनिए, यहाँ से हटिए। हम लोग तो इसी का निवेदन किए हैं कि अगर विधर्मी है तो आपका यहाँ क्या है, आप चलिए हटिए, ये निवेदन किया गया न्यायालय से। तो धर्म वाले हैं तो जी, मान लीजिए सनातनी है, तब सनातनी है तो ठीक है, वो तो हमारी हिंदू परंपरा के लोग हैं, बाबा विश्वनाथ को मान्यता मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है वो उसके अधिकारी भी हैं, और नहीं तो पूरी संपदा उन्हीं के प्रसाद पर्यंत बाबा विश्वनाथ की है और उसी में जिए खाएँ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।